पिक्चर चालू करो बे। जहां जाइएगा हमें पाइएगा, देखे जाइएगा। कि जाने क्या ढूंढती हैं आंखें मुझ में, इस राग के ढेर में न शोला है न चिंगारी है। सातवीं फेल, चुप हो जा। चश्मा उतार दीजिए जो पहना रखा है उन लोगों ने। शोला भी दिखेगा, चिंगारी भी दिखेगी, आग भी दिखेगी, झुलस मत जाना बस। सवाल था कि ऐसा लगता नहीं कि आप गलती पहचानते भी हैं, सुधारने की बात तो दूर की है। एक गलती साझा करता हूं। 2014 से पहले का मीडिया रात को 9 बजे, भले वो आपका चैनल हो कोई और चैनल, जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, रोज हमारे खिलाफ स्टोरी आती थी। शायद हमारी गलती थी कि हम लोग बर्दाश्त करते हैं। हो सकता है मोदी जी से हमें ये सीखना हो कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे की जाती है। एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहाँ जहाँ बैठे हो, यहाँ या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको। मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूँ, आप चला के दिखाइए। मेरा आपकी सामना ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं। एक हाथ मारूंगा ना, खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी। नहीं, मेरी बात आपके सामने सामने हाँ बोलने की हिम्मत किसी पत्रकार को नहीं होगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको स्टोरी दे दे कांग्रेस के खिलाफ, देखिए ब्रेकिंग न्यूज़। इस वजह से चुनाव हारते हैं, इस वजह से चुनाव हारते हैं। गलती हम दोहराते रहेंगे, जब हम सत्ता में आएंगे यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो उस वक्त मिलती थी। मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप, वही हमारा वादा है आप। चलिए यही तो हमारे को आपस में तय करना है, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, हमें इनसे तय करना है कि साहब जब सत्ता में आए तो क्या मोदी जी की तरह एजेंसी का दुरुपयोग करें, क्या मोदी जी की तरह मीडिया मैनेज करें, मीडिया को डराएं धमकाएं, ये सीखना है हमें। हम नहीं सीख पाए, अब क्या करें। उसी अरे हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत खराब थी, इनके पास सिर्फ स्टैच्यू आया। और वो स्टैच्यू आप उनके स्टैच्यू पर भी नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे ये देश का स्टैच्यू, नरेंद्र मोदी जी का स्टैच्यू है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। हार्दिक आपको छोड़ के वहीं जा चुके हैं जिनके खिलाफ वो खड़े थे। कठिन यात्रा है उस सफर को तय करने के लिए। जो मादा होता है ना, वो सब में नहीं होता। कुछ लोग ईडी से डर जाते हैं, कुछ लोग सीडी से डर जाते हैं, कुछ लोग सीबीआई से डर जाते हैं, कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, लेकिन जो फिर भी अड़े रहते हैं वो कांग्रेसी कहलाते हैं। शाबाश बेटा। कि पार्टी की क्या कॉम्पिटेंस है लोगों को पहचानने? पार्टी की कॉम्पिटेंस यहां दिख रही है, वहां दिख रही है। हम भी, हमें भी पहचानो ना। उनको आप नहीं देखते, जो भाग गए उनके लिए आप पिछले 10 मिनट से मुझसे पूछे जा रहे हैं। पिछले 70 साल में बीजेपी अलग अलग रूप में आए, सिर्फ और सिर्फ हमारी नकल करते हैं, हमारे नेताओं को चुराते हैं। कोशिश सरदार पटेल, नेताजी, जिसका आप नाम लो, इनका अपना एक हीरो बता दीजिए, एक हीरो बता दीजिए। लगाए ना स्टैच्यू किसका, वो क्या नाम है उनका, सावरकर का स्टैच्यू क्यों नहीं लगाया इतना बड़ा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लगाया पटेल साहब का ही लगाया ना। सरदार पटेल क्या गए किसी बात जनसंघ में या हिंदू महासभा में, वो तो कांग्रेस में ही थे। उसी अरे हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत खराब थी, इनके पास सिर्फ स्टैच्यू आया। और वो स्टैच्यू आप उनके स्टैच्यू पर भी नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे ये देश का स्टैच्यू, नरेंद्र मोदी जी का स्टैच्यू है। दो 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 राज्यों में है, उन्होंने राज्यों के सीएम इतने इनसिक्योर हैं, उनको नहीं पता कब बदल दिए जाएंगे। तू बोल रहे नारियल की शक्ल के तेल कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी को अपने मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, एक के बाद एक बदल डालूंगा, पूरे घर के बदल डालूंगा। अरे साहब इस तरह से कोई सरकारें चलाई जाती हैं? जब वो खुद थे 2002 से 2014 तक, एक बार भी नहीं बदला। और जब वो हटे लगातार आनंदी बेन, विजय रूपानी, आजकल कौन है, सीआर पटेल, कुछ ऐसे ही है, दोनों में से एक है मुख्यमंत्री, मालूम नहीं पड़ रहा अभी हमें कौन है। जली ना तेरी भी जली ना। और ये जो विश्लेषण है कि साहब पहले तो आप अपनी सीटें आम आदमी पार्टी से बचाइए, बीजेपी को तो बाद में पछाड़िएगा। कुछ गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सवाल था कि ऐसा लगता नहीं कि आप गलती पहचानते भी हैं, सुधारने की बात तो दूर की है। मेरी मारी तूने, अब देख मैं तेरी कैसे बजाता हूं। अच्छा देख क्या मारे। आज एक गलती साझा करता हूं। 2014 से पहले का मीडिया रात को 9 बजे, भले वो आपका चैनल हो कोई और चैनल, जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, रोज हमारे खिलाफ स्टोरी आती थी। शायद हमारी गलती थी कि हम लोग बर्दाश्त करते रहे। हो सकता है मोदी जी से हमें ये सीखना हो कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे की जाती है। गजब बेइज्जती है। हो सकता है एजेंसीज का दुरुपयोग कैसे करना चाहिए। हो सकता है हमें ये भी सीखना हो। हमारी गलती ये है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आप उसे गलती मानते हैं मानिए, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और एक आदमी अपने आप को इस प्रदेश का है, चाणक्य बोलता है, आप लोग कहते हैं, वो पता नहीं खुद कहता है या नहीं कहता, उस चाणक्य से हम कुछ नहीं सीखना चाहते। क्यों हिला डाला ना? एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहाँ जहाँ बैठे हो, यहाँ या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको। मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूँ, आप चला के दिखाइए। मेरा आपकी आप 24 सवाल जुम करो। पहले ये बताइए हाँ या ना, ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं। मेरी बात नहीं, मेरी बात आपके सामने सामने हाँ बोलने की हिम्मत किसी पत्रकार को नहीं होगी। आज मैं ये फर्क बोलूंगा पार्टी और कांग्रेस में, आपको फर्क दिख रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको स्टोरी दे दे कांग्रेस के खिलाफ, देखिए ब्रेकिंग न्यूज़। इस वजह से चुनाव हारते हैं, इस वजह से चुनाव हारते हैं। साला कमीना रिश्वतखोर। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।
हमारी गलती है और ये गलती हम दोहराते रहेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। हाँ। यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो उस वक्त मिलती थी। मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप, वही हमारा वादा है आप। चलिए यही तो हमारे को आपस में तय करना है, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, हमें इनसे तय करना है कि साहब जब सत्ता में आए तो क्या मोदी जी की तरह एजेंसी का दुरुपयोग करें, दो राज्य क्या मोदी जी की तरह मीडिया मैनेज करें, मीडिया को डराएं धमकाएं, ये सीखना है हमें, हम नहीं सीख पाए, अब क्या करें। काम करने का आप कह रहे हो साहब, आप मीडिया को डंडा मारना, हमें नहीं मारना मीडिया को डंडा। अकेले पूछिए ना मोदी जी से कि क्या हालत हो गई इस देश की, मनमोहन सिंह जी जब अर्थशास्त्री थे तो क्या जीडीपी थी, और जब ये अर्थशास्त्री आ गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, ये है अर्थशास्त्रियों की हकीकत, पूछिए ना। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, देखे जाइएगा। जाने क्या ढूंढती हैं आंखें मुझ में, इस राग के ढेर में ना शोला है ना चिंगारी है। सातवीं फेल, चुप हो जा, चश्मा उतार दीजिए जो पहना रखा है उन लोगों ने, शोला भी दिखेगा, चिंगारी भी दिखेगी, आग भी दिखेगी, झुलस मत जाना बस। शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए हर दिन हर रोज हम एक ऐसा ही वीडियो आपके लिए।